आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। जिला आबकारी विभाग अपने ही ठेकेदार और इलाका पुलिस के आगे नतमस्तक नजर आ रही है। अधिकृत लाइसेंस धारकों से ही नियमों का पालन नहीं करवा पा रहे हैं। यहां पर पियक्कड़ों को खुले में शराब पिला रहे हैं। इतना सब कुछ खुलेआम होने के बावजूद भी आबकारी विभाग के अधिकारी व इलाका पुलिस जीती जागती हकीकत से मुकर रहे हैं। शुक्रवार को कस्बा नौजिल में सरकारी शराब की दुकानों का जायजा लिया तो आबकारी विभाग के जिम्मेदारों का लाचार रवैया साफ तरीके से देखने को मिल गया। नौजिल के बाजना तिराहे से महज 10 कदम की दूरी पर स्थित शराब की दुकान के बाहर लोग बैठकर शराब व बियरों के जाम छलका रहे थे। कैमरे का फ्लैश देखते ही शराबी दौड़ने लगे। दुकान के पीछे आधा दर्जन लोग थे, कुछ पियक्कर शराब से भरी गिलासें छोड़कर भाग गए। ग्राहकों के लिए इन दुकानों पर नमकीन, पानी की बोतलें व डिस्पोजल गिलासें भी मिलती हैं। शराब की दुकानों के बाहर खुले में बैठकर शराब पीने के बाद पियक्कर लोग महिला और छात्राओं से बदतमीजी करने को आमादा रहते हैं। क्या समस्या है? समस्या ये है कि रोड के जो मराया मथुरा वाला रोड है, मथुरा बाजने वाला, उस पर ठेका है दारू का जी। और ये दारू जो जितने बिहारी भाई लोग आते हैं जी। सब चौरे में ही दारू पीते हैं और पुलिस का कोई भी ध्यान नहीं है। इधर सबकी बहन बेटियां निकलती हैं, नंगा नाच रास्ता आ जाटिया। पुलिस वाले भाइयों से मेरा ये अनुरोध है कि इसका इधर भी ध्यान दें। यहाँ कोई पुलिस वाला कोई आके चेक नहीं करता है? कोई चेक नहीं करते हैं, सब चौराहे पे ठाड़े हो जाते हैं, कोई देखते नहीं है। ठेके वाला भी इनको कोई पाबंदी नहीं? ठेका भाई वाला कोई पाबंदी नहीं करता ठेका वाला।